खरगोन शहर में निजी मोमिस सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने प्रशासन के सहयोग से किट बाल और मास्क का वितरण किया, जिसमें कोतवाली थाने के समीप सोसाइटी के सदस्य और पुलिस ने आने जाने वाले राहगीरों को आंवला, नीम, तुलसी, बिलपत्र की किट बाल के साथ ही मास्क का वितरण किया। इस दौरान लगभग 300 बिलपत्र और 300 से अधिक मास्क वितरित करके शहर को हरा भरा करने का संदेश भी दिया, जिसमें निजी संस्था के शोभा खोड़े ने बताया कि कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा की कवायद को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हम खरगोन मोमिस टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सीट बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सीट बॉल यानी कि एक छोटी सी बॉल है जिसके अंदर की एक बीज है जो कि नीम, पीपल और आंवला, इमली, बिलपत्र, इसके ये बीज है इसके अंदर। और ये कहीं भी आप फेंकेंगे, कहीं भी थ्रो करेंगे तो बारिश के पानी की वजह से ये बहुत सही समय है उसके लिए। बारिश के पानी से ये पेड़ उगने लगेगा। तो हमने ये करीबन 300 सीट बॉल्स डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं। तो हमारे द्वारा अभी 300 पेड़ आपको मिलेंगे कि जो लोगों के साथ मिलकर हमने पहल करी है। तो इसमें ये रहेगा कि लोग जहाँ भी उसको थ्रो करेंगे वहाँ पेड़ उगाएगा। क्या मुख्य उद्देश्य रहा इसके पीछे? यही है कि अभी हम देख रहे थे कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन को लेकर हम सभी लोग बहुत चिंतित थे, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है तो हमें पौधा रोपण करना था। लेकिन क्या हो रहा था, सही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हम देख भी नहीं पाते। एक छोटा सा सीड बॉल जो है, जो आमतौर पर आम पब्लिक कहीं भी अगर थ्रो कर देगी तो वहाँ पेड़ उगाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं खरगोन को हरा भरा करना। और जो हम अभी कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन के लिए हम परेशान हो रहे थे, ज़्यादा हरा भरा खरगोन होगा, हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी। तो हमारा खरगोन मोमिस का मुख्य उद्देश्य यही है कि खरगोन को सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।